नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना मीटर के अनुसार अभी तक लगभग 1,34,81,946 लोग संक्रमित हैं और लगभग 5,81,732 लोगों की मौत हो चुकी। इसी बीच दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर कोरोना का इलाज ढूंढ रहे, लेकिन कोरोना का समाधान नहीं निकल पा रहा। इसी बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों को आशा की किरण नजर आई। अमेरिका में कोरोना की जिस पहली वैक्सीन का ट्रायल किया गया, वो वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस वैक्सीन का ट्रायल अब फाइनल स्टेज में है। इस वैक्सीन को नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक में फाउची के सहकर्मियों ने बनाया। 27 जुलाई के आसपास 30,000 लोगों पर ये पता लगाने के लिए शोध होगा कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव में कितनी प्रभावशाली। हालांकि मंगलवार को शोधकर्ताओं ने 45 लोगों पर किए शुरुआती परीक्षण के निष्कर्ष बताए, जिनके मुताबिक इस टीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में अनुसंधानकर्ताओं की माने तो शोध में पाया गया है कि इन लोगों के रक्त में संक्रमण को खत्म करने वाली एंटीबॉडी विकसित हो गई और इनका स्तर कोविड-19 से उभरे लोगों में बनी एंटीबॉडी जैसा ही था। यहाँ पर एक बात बताते चले कि इस टीम को लीड किया है सिएटल में सैफ्रन परमानेंट वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की डॉक्टर लीजा जैक्सन ने। लीजा की माने तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ये पता चलेगा कि वैक्सीन संक्रमण से बचाव कर पाती है या नहीं। सरकार को उम्मीद है कि इसके परिणाम साल के अंत तक सामने आ जाएंगे। इस वैक्सीन की एक महीने के अंतर पर 2 खुराक दिया जाना जरूरी। इसके कोई गंभीर दुष्परिणाम नहीं है। अब देखना होगा कि आगे ये सफल होता है या नहीं, लेकिन कोरोना पर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सफलता को भी बड़ी सफलता मान रहे हैं।